हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल YCP इंग्लिश मंत्रा में। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं एक और एडवांस स्ट्रक्चर। तो आइए देखते हैं वो एडवांस स्ट्रक्चर क्या है। कभी कभी हमें अपने डेली लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे आज के बाद तुम लड़ाई नहीं करोगे, आज के बाद तुम मेरा शक्ल नहीं देखोगे, आज के बाद मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो जब बोलने होते हैं आपको ऐसे सेंटेंसेस, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सेंटेंस आएगा, इसके बाद लिखेंगे हियर आफ्टर। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो हियर आफ्टर को सेंटेंस के पहले भी लिख सकते हैं। और जो हमारा सेंटेंस होगा वो हमारा फ्यूचर टेंस में होगा, और यहाँ पर इसका मीनिंग होगा आज के बाद, इसके बाद, आइंदा से, आगे चलकर, या फिर आप कह सकते हैं भविष्य में। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे समझ लेते हैं। आज के बाद मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट गो देयर हियर आफ्टर। आई विल नॉट गो देयर हियर आफ्टर। आज के बाद वह तुमसे नहीं मिलेगी। सी विल नॉट मीट यू हियर आफ्टर। सी विल नॉट मीट यू हियर आफ्टर। आज के बाद तुम मेरा शक्ल नहीं देखोगे। यू विल नॉट सी माई फेस हियर आफ्टर। यू विल नॉट सी माई फेस हियर आफ्टर। आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आई विल नॉट लाई हियर आफ्टर। आई विल नॉट लाई हियर आफ्टर। आज के बाद मेरा बेटा तुम्हारे स्कूल में नहीं जाएगा। माई सन विल नॉट गो इन योर स्कूल हियर आफ्टर। माई सन विल नॉट गो इन योर स्कूल हियर आफ्टर। आज के बाद उसकी पिटाई नहीं होगी। ही विल नॉट बी बीटन हियर आफ्टर। ही विल नॉट बी बीटन हियर आफ्टर। फ्रेंड्स, ये हमारा पैसिव वाइज सेंटेंस है और फ्यूचर टेंस है, इसलिए यहाँ पर हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया है। आज के बाद तुम लड़ाई नहीं करोगे। यू विल नॉट फाइट हियर आफ्टर। यू विल नॉट फाइट हियर आफ्टर। दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आइए करते हैं आपसे क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है आपसे, आज के बाद मैं आपका वीडियो रोज देखूंगा। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।